बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी मेरी YouTube फैमिली? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे, हम भी बिल्कुल ठीक हैं, अल्लाह पाक का शुक्र है। तो आज मैं लगाने लगी हूँ बैंगन। बैंगन मेरे हस्बैंड लेके आए हैं अभी अभी, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ फिर बैंगन कैसे लगाई जाती हैं। ये गर्मियों की जो सब्ज़ियाँ हैं ना, किया कद्दू, करेले, अपना टिंडे, खीरे, इस तरह की जो सब्ज़ियाँ होती हैं ये लगती हैं गर्मियों में, और ये गर्मियों की सब्ज़ियाँ होती हैं बड़ी मज़े की। और ये देखें जी, मेरे ये भी दो बाल्टियाँ बाकी थी, ये मैंने कुछ पुदीना लगाया था, ये जल गया, ये मिट्टी में कुछ प्रॉब्लम है। ये मेरा पुदीना अपना पहले का था एक पौधा, ये मैंने पुदीना नया लगाया, आज 3 दिन हो गए हैं। ये भी मेरे हस्बैंड लेके आए हैं, ये माशाल्लाह चल पड़ा, ये बीच में कुछ है ये भी चल पड़ेगा। पुदीना लगाने का यही है भी कहीं से भी जड़ वाला मिल जाए तो उसको नीचे लगा दें तो माशाल्लाह ये सारा निकल जाता है। अगर जड़ वाला नहीं है तो वो मैं पुदीना लगाने का वो भी तरीका एक बताऊंगी, जो इसकी हम चटनी बना लेते हैं, बाकी टहनियाँ भी लगाएं तो पुदीना माशाल्लाह ऐसा निकल आता है। ये मैंने अभी लगाया, सिर्फ एक पौधा था, बाकी माशाल्लाह था, ये लगाया था, ये देखो ये नहीं चला क्योंकि ये मैंने एक दिन ही नहीं लगाया, इसमें कुछ है ना। तो अब मेरे पास ये दो बाल्टियाँ फारग थी तो मैंने कहा इसमें कुछ लगाऊं, इसमें मैं लगा रही हूँ बैंगन। तो बैंगन मैं बताती हूँ फिर मैं कैसे लगाने लगी। मेरे हस्बैंड लेके आए हैं अभी, ये देखें इसके अंदर रेत मिक्स की हुई है, ये देखें ये रेत है। तो कहते हैं रेत वाली भी जो मिट्टी होती है ना वो भी चल पड़ते हैं, ये मैं इन दोनों में लगाऊंगी क्योंकि ये बड़े हो जाने हैं माशाल्लाह। ये मेरे ना हस्बैंड के फ्रेंड है तो मैं उनके घर, मैं यही बताने लगी हूँ, मैं वीडियो बाकी मोबाइल उधर भेजने लगी हूँ, वीडियो बनाने लगी हूँ। फिर उन लोगों ने अपनी छत पे इतनी बड़ी बड़ी क्यारियाँ बनाई हुई हैं, इतनी सब्जी लगाई हैं और पौधे लगाए हैं, यहाँ तक मौसमी के बूटे, लेमन के पौधे और यानी कि अमरूद के सारे लगाए हुए हैं। अच्छा जी, ये मैंने मिट्टी पहले इस तरह कर ली है नरम, ये 2-3 दिन। अच्छा ये इसमें जो था ना ये वाला जो है, ये देखें ये गोबर के हैं, ये मैं कहीं से मैं लेके आई हूँ, इसमें गोबर मिक्स है, मिट्टी मिक्स है, ये मैं ला के सारी मिट्टी में मैंने मिक्स कर दी है। ये देखें कितनी सॉफ्ट मिट्टी है, ये देखें अब इसमें जो भी हम सब्जी लगाएंगे ये सारी निकल आएगी। तो मुझे ना किसी ने कहा था उस दिन भी प्लीज़ बैंगन की सब्जी लगा के बताएं या टमाटर लगा के बताएं, उसका टमाटर लगाना बताएं, तो मैं इसलिए फिर आज वीडियो दोबारा बना रही हूँ। तो अब ये मैं जी निकालूंगी इसमें से, थोड़ी सी मिट्टी निकाल लेते हैं फिर डालते हैं, ठीक है। ये देखे माशाल्लाह, ये पनीरी लगाई हुई थी उन लोगों ने। अच्छा ये मैं बताने लगी थी, ये मेरे हस्बैंड के फ्रेंड हैं, उनकी माशाल्लाह नीचे मार्केट है, ऊपर उनकी इतनी बड़ी बिल्डिंग है, हमारा तो घर है ना छोटा घर है शुक्र अल्लाह पाक का, तो उनकी बिल्डिंग है, नीचे मार्केट है, ऊपर वाले दरमियान वाले पोर्शन में वो खुद रहते हैं, और थर्ड फ्लोर पे उन लोगों ने पूरी क्यारियाँ बनाई हुई हैं। मैं ना अभी मोइज़ को दे के मोबाइल भेजूंगी और इसके बाबा को, क्योंकि मैं नहीं जा सकती नीचे मार्केट है, तो इसके बाबा के सारे फ्रेंड उधर होते हैं, तो ये वीडियो बना के लाएंगे, मैं दिखाऊंगी भी जिन लोगों की छत है, छत का कोई नुकसान नहीं होता, नीचे प्लास्टिक शीट बिछा ले, कब प्लास्टिक बिछा के ऊपर लगाएं तो माशाल्लाह आपकी सब्ज़ी चलेगी। ये बैंगन है, मुझे बैंगन बड़े पसंद हैं तो इसलिए मैं दो पौधे उन्हीं के घर से हम लेके आए हैं, ये इस तरह निकालेंगे। मेरे हस्बैंड भी पास खड़े हैं, मैं पूछ लेती हूँ इस तरह निकाल लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं इसी तरह रेत समय, ओए होए होए हवा तो नहीं लगी, मैं ना डर रही हूँ, ये इसी तरह इससे नहीं मेरे से पकड़ा जा रहा। ये देखें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैं लगा दूंगी, देखें तो इसी के। अच्छा उन लोगों ने रेत डाली हुई है, रेत जो होती है ना, ये देखें ये रेत है मिक्स की हुई, तो पता नहीं क्यों डाली है, ये मुझे मेरे हस्बैंड डेली बताते हैं, फिर उसने ना मिट्टी में रेत ज्यादा मिक्स की हुई है, आप भी डाले तो मैं नहीं डालती, तो रेत ठंडी रहती है। अच्छा रेत ठंडी रहती है, तो मैंने तो वो गोबर सूखा हुआ गोबर मंगवा के, कोई कहते हैं उसका पानी डालें तो इसे फिर भी अच्छा रहता है। गर्मियों की बड़ी अच्छी सब्जी लगती है माशाल्लाह। मैं बनाया ना ये वाला जो है ना, ये निकाल के इसी में डाल दूंगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी ये भी इसी तरह लगा दूंगी, मिट्टी डाल दूंगी, माशाल्लाह फल लग जाएगा, देखना जरा, ये देखो नीचे इतने इतने बड़े सुराख हैं। चलो जी बस। अच्छा जी बैंगन मेरे लग गए हैं, तो अब मैं ना इस साइडों से मैंने दबा दिया, अब मैं इसमें पानी डाल दूंगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी अच्छा ऐसे ही डालना है, ये देखें जी
मैंने ना साइडों से दबा दिया है ताकि ये ना बड़े पौधे हैं नरम है। ये दो पौधे में लगाने लगी हूँ बैंगनों के, तो ये चल जाएंगे इंशाल्लाह। चल पड़े तो फिर और लगा। तो बाकी मैंने धनिया लगाना है, धनिया वाली वीडियो में बाद में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अब मैं वीडियो बनाऊंगी अगली वीडियो बनाऊंगी, मतलब जिनके घर से ये हम बैंगन लेके आए हैं उनकी छत की, तो उन लोगों ने अपनी छत पे मतलब क्या क्या लगाया और बड़ी बड़ी क्यारियां बनाई। जो लोग कहते हैं ना छत खराब हो जाती, नहीं, ये गर्मियों की सब्जी है, करेले तोरियां ये वो लगाई है, दीवार पे चली जाएंगी। मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करती हूँ। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आप लोगों अगर नेक्स्ट मैं इंशाल्लाह दिखाती हूँ कि उन लोगों ने कैसे क्यारियाँ बनाई, उन लोगों ने जानवर भी ऊपर बहुत ज़्यादा रखे हुए हैं। तो मैं अब उनके घर जा रही हूँ आप लोगों के लिए वीडियो बनाने, तो आप लोग देखना ज़रूर, मेरी फुल वीडियो वॉच करना। माशाल्लाह वीडियो में बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं, तो आप लोगों को पता चलेगा कि छत हमारी है तो हम इनको इससे क्या क्या फ़ायदा ले सकते हैं। चलें जी आ जाएं। चले ये टमाटर मैंने इनको नेट लगा दी, नेट मैंने क्यों लगाई है, ये ब्लैक कलर की नेट इसलिए लगाई है कि हमारे घर छत पे आ जाती गिलहरी, तो गिलहरी ने मेरे सारे टमाटर खा लिए। इसके साथ 8 से 10 टमाटर थे, दूसरे पौधे के साथ 3-4 टमाटर थे, उसने सारे टमाटर खा लिए हैं। तो अब मैंने इसको नेट लगा दी, ये देखें इसके टमाटर लगे हुए हैं माशाल्लाह, ये देखें जी, ये माशाल्लाह। अब देखें ये दिखाओ, ये देखें बड़ा टमाटर है ये माशाल्लाह। तो अब मैं ना इसको नेट लगा दी है ताकि गिलहरी ना जाए इसके अंदर, ये गिलहरी के गांव है। तो आज मैं आपको साथ बताऊंगी कि मैं बैंगन कैसे लगाने लगी हूँ और इस गर्मियों में कौन कौन सी सब्जियां लगाई जाती हैं, वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में शेयर करूंगी। अच्छा जी ये देखें जी, मोइज़ चला गया उनकी छत पे माशाल्लाह, उनकी छत की ये देखें जी माशाल्लाह बड़ी बड़ी क्यारियाँ बनाई हुई मोइज़ से। मैंने कहा मोइज़ सारी वीडियो बना के, ये देखें जी माशाल्लाह मोती के फूल लगे हुए हैं। तो साथ उन लोगों ने करेले की बेल लगाई, ये नींबू का पौधा है, ये साथ उन लोगों ने बैंगन लगाए हुए हैं, ये है बैंगन की जी पौधे। तो यहाँ से दो पौधे बैंगन के हमने मंगवा लिए हैं जो लगाए हैं मैंने। तो ये देखें ये बड़े बड़े पौधे लगे हुए हैं, कुछ उन लोगों ने तो हर किस्म के पौधे लगाए हुए हैं। ये करेले की नहीं सॉरी ये पुदीना है, ये पुदीना बीच में से हम लेके आए थे हम अपनी। ये देखें पुदीना कितना संघना लगा हुआ है, ये पुदीना भी मैं लगाने का तरीका बताऊंगी भी किस तरह लगाया जाता है। तो ये देखें जी माशाल्लाह ये मोतिये के फूल हैं, ये देखें फल लग रहा है, ये गुलाब के फूल लगे हुए हैं। आजकल मौसम बुखार है तो हर दरख्त हर पौधा हर सब्ज़ी बड़े अच्छे तरीके से उगाई जाएगी। ये लेमन का पौधा है, लेमन का जो पौधा है इसके फूल सारे लगे हुए हैं। और ये देखें जी ये करेले की बेल है, और करेले माशाल्लाह अब लगेंगे इनको फूल, मैंने तो भी बीज लगाए उन लोगों ने लगा भी लिए। ये देखें उन लोगों की छत बहुत बड़ी है, उन लोगों ने क्यारियाँ बना के अंदर लगाई हुई हैं चीज़ें, तो माशाल्लाह बड़े अच्छे लगते हैं। ये देखें जी माशाल्लाह पानी लगा रहे थे मोइज़, कह रहा मैं जब गया हूँ तो वो पानी लगा रहे थे, गीली हैं अभी जगह, तो मोइज़ ने बना ली, कहता मम्मा मुझे इन चीज़ों की पहचान नहीं है अभी, ये क्या क्या, ये गुलाब के फूल हैं ये देखें जी माशाल्लाह। तो इसी तरह मैं भी बनाऊंगी अपनी छत के ऊपर सारी वीडियो और सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आप लोग मुझे दिखाना बताना भी आप लोगों को कौन कौन सी सब्ज़ी मैं बताऊं आगे जाके लगाने का तरीका, तो मैं मुझे सारा मतलब पता चल जाता है क्या, और जो ना पता चले तो मैं तो भाई अपने अब्बू को फ़ोन करके पूछ लेती हूँ कि अब्बू जी अब ये वाली सब्ज़ी को मैं कैसे लगाऊँ और मतलब इनको इस सीज़न में कौन सी लगाई जाती है, तो मेरे अबू माशाल्लाह मुझे सारा कुछ बताया। ये मिर्चें लगी हुई, ये देखें मिर्चों को भी फूल लग गए हैं, ये मिर्चों की पनीरी थी लगाई पहले, तो मिर्चें अच्छा पहले मिर्चों के दाने लगाए जाते हैं बीज, फिर जब मतलब एक फिंगर जितना पौधा हो जाए फिर उसको निकाल के दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ता है। अगर मिर्चों के पौधे वहाँ ही एक जगह पर रहें तो उनको फल नहीं लगता। मिर्चों के पौधे यही होता है कि उनकी पनीरी लगाई पहले बीज लगाएं फिर वो पौधे थोड़े से 2-2 इंच 3-3 इंच का हो जाए तो फिर उसको निकाल के एक एक जगह लहदा पे लगाएं। अच्छा ये नीचे जो पे गया ये धनिया था, धनिया ये देखें जी ये धनिया माशाल्लाह धनिया भी बहुत संघना लगा हुआ है। तो इसी तरह ये मौसमी का पौधा है, ये मौसमी का पौधा इसी क्यारी में देख लें लगाया हुआ है, अल्लाह ने माशाल्लाह इतनी अच्छी नेमतें हमें दी हैं। ये बैंगन है, सॉरी टमाटर,
टमाटर को फूल लगे हुए हैं, ये देखो पाइप पड़ा हुआ है इस तरह, वो तो पानी अच्छा खासा लगा रहे हैं, मैं तो इतना पानी नहीं लगाती सब्ज़ी को, वो अच्छी खासी भर रहे हैं। तो ये वो तोरियाँ हैं, ये देखे साथ लगी हुई हैं, जो मतलब कि या तोरी होती है उनकी तो सब्जी मतलब उन लोगों ने पहले लगा ली है, मैंने अभी लगाई है। ये अभी भी लग फरवरी के एंड से लेके मार्च अप्रैल तक ये सब्जियां लगती हैं। ये एलोवेरा का पौधा है, ये भी एलोवेरा का पौधा है। अब मैं भी एलोवेरा को लेके आऊँगी, आज मैं इंशाल्लाह जाऊँगी, मैं भी लेमन का पौधा और ये मोतिये के फूल का पौधा घर वाले कह रहे हैं लेके आते हैं, तो मैं अगर गई ना तो फिर नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं उन्हीं की बनाऊँगी। नर्सरी में जाऊंगी, बताऊंगी भी मोतिये के पौधे और लेमन का पौधा कितने पैसों का आता है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मैंने आज जाना लाजमी, ये देखें कितनी लंबी लंबी क्यारियाँ बनाई इनकी, माशाल्लाह बहुत बड़ा घर है और इन लोगों ने दरमियान में छत की दरमियान में क्यारियाँ बनाई हुई हैं, ये देखें जी माशाल्लाह दूर तक नज़र जा रही है, तो घर भी बहुत प्यारा है इनका, मैंने तो नहीं देखा। मुइज़ भाई कह रहा था मामा बहुत बड़ा घर है माशाल्लाह, तो उन लोगों ने ऊपर ये रौनक लगाई हुई है, तो अल्लाह पाक उन लोगों को इनका फल खाना नसीब करे। तो मेरे भी जल्दी जल्दी जो सब्जियां मैंने निकाल लगाई हैं वो निकल आएँ, फिर मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। तो ये देखें जी माशाल्लाह, ये मुझे बैंगन मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद थे, तो चलो जी मुझे भी दो पौधे मिल गए हैं, मैंने लगा लिए हैं। अच्छा जी यही यही मैंने बताना था भी आजकल किया कद्दू करेले मतलब बैंगन यही सब्जियां लगती हैं, तो वो मैं हमने आपको लगाने का तरीका बता दिया, अब नेक्स्ट वीडियो में सारा कुछ। अच्छा जी ये देखें जी माशाल्लाह वीडियो हमने पूरी बना ली, हम फिर अपनी छत पे आ गए हैं वीडियो बना के, और आप लोग हमारी वीडियो देखना बहुत ज़्यादा प्यारी बनी है आज की, और सारा कुछ दिखाया है मैंने। और ये देखें माशाल्लाह उधर से मेरे लिए फूल भी आए हैं उनके घर, मोतिये का भी एक पौधा है एक या दो जो भी हैं, वीडियो में देख लेना। ये कलियाँ लगी हुई थी तो ये मेरे हस्बैंड मेरे लिए लेके आए हैं, तो मैं खुश हो गई भी मेरे हस्बैंड मेरे लिए फूल लेके आए हैं। तो शिफा की मम्मा कह रही बाजी कानों में डाल लें, मैं कहा मेरे कानों में तो कांटे हैं, मैं डालती हूं। तो ये देख लें जी माशाल्लाह औरत ऐसी चीज़ है भी हस्बैंड के फूल लाने से भी खुश हो जाती है, छोटा सा फूल है, छोटा सा फूल है, खुशी देख लें। तो वीडियो बना के लाई मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा मेरे लिए, वो और मुइज़ दोनों वीडियो बनाने गए हैं। शिफा चलें जी मैं यहाँ पे वीडियो का एंड करूँगी, मैं यही कहूँगी कि आप लोगों ने ज़रूर कमेंट्स में बताना है कि आज की मेरी वीडियो कैसी है, अगर आप लोग और देखना चाहते हैं कुछ, मैं धनिया भी मैंने मंगवाया है मैं लगा के दिखाऊँ कैसे लगता है, तो फिर मुझे बताना वीडियो कैसी है, और आप लोगों की मोहब्बत होगी प्यार होगा, यही हमारे लिए एक नाम होता है कि आप लोग हमारी वीडियो को अच्छे अच्छे लाइक करें, कमेंट्स करें और हमारी फुल वीडियो देखें। चलें जी दुआओं में याद रखना, ओके जी अल्लाह हाफिज़।